क्या मोदी और गडकरी में फिर खिंची तलवारें? क्या गडकरी ने कर दी मोदी सरकार की फजीहत? कांग्रेस ने गडकरी के बहाने मोदी को क्यों कोसा? गडकरी ने ऐसा क्या कहा जिससे मच गया बवाल? ये बात तो आप भी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चाएं किसी नेता की होती हैं, तो वो हैं नितिन गडकरी, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और फिलहाल मोदी सरकार में पिछले 10 सालों से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने इतना काम किया है कि देश की जनता के बीच उनकी छवि एक सख्त और ईमानदार नेता के रूप में बन गई है। यही वजह है कि समय समय पर गडकरी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग उठती रही है, तो वहीं कभी कभी नितिन गडकरी को उनके बयानों की वजह से मोदी के खिलाफ खड़े करने का एजेंडा भी चलाया जाता रहा है। इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसा ही चल रहा है। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच नितिन गडकरी ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसके बहाने अब कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने में जुट गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां अपनी सरकार के काम के दम पर देश की जनता से 400 पार सीटें मांगने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार में ही गद्दावर नेता नितिन गडकरी बयान दे रहे हैं कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान सब दुखी हैं। ना तो अच्छे रोड हैं, ना पीने के लिए शुद्ध पानी है, ना ही अच्छे अस्पताल हैं और ना ही अच्छे स्कूल हैं। नितिन गडकरी के इसी बयान के बाद मोदी सरकार के खिलाफ विरोधियों ने जैसे मानव मुहिम ही छेड़ दी हो। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तो अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर नितिन गडकरी का बयान शेयर करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए धड़ल्ले से 20 सेकंड का वीडियो शेयर करने में लगी हुई है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने तो गडकरी की वीडियो शेयर करते हुए यहाँ तक लिख दिया, मुझे लगता है कि नितिन गडकरी पर अब कार्रवाई होगी, उन्हें देशद्रोही भी कहा जा सकता है। किसानों के समर्थन में खड़े होकर वो सीधे तौर पर मोदी जी का ग्राफ नीचे गिराने की साजिश रच रहे हैं, आपको क्या लगता है? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी गडकरी की 20 सेकंड वाली क्लिप पोस्ट करने में पीछे नहीं रही। तो वहीं एक और कांग्रेसी नेता वैभव वालिया ने तो लिखा, जो लोग पूछते हैं कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, उनका जवाब मोदी जी के मंत्री नितिन गडकरी जी ने दिया है। सुनिए गडकरी जी को पिछले 10 साल में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, किसानों की आय दोगुनी करने के वादे से प्रधानमंत्री बने थे। गुजरात कांग्रेस के नेता प्रताप सोलंकी ने भी गडकरी का ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, भाजपा के नेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को जरूर सुनिए, वो बता रहे हैं कि देश के गांवों में आज गरीब, मजदूर और किसान दुखी है। अब भक्त मंडली के लोग इन्हें देशद्रोही कहेंगे क्योंकि सरकार की पोल खोल रहे हैं। कांग्रेस के इन तमाम नेताओं के इन ट्वीट से आप समझ सकते हैं कि नितिन गडकरी के बयानों की महज 20 सेकंड की क्लिप के बहाने किस तरह से कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने में जुट गई। ललन टॉप को दिए करीब पौने 2 घंटे के इंटरव्यू में से कांग्रेस ने अपने मतलब की क्लिप निकाल कर इस तरह का एजेंडा चलाया, लेकिन जब आप नितिन गडकरी का पूरा इंटरव्यू सुनेंगे तो हकीकत कुछ और ही नजर आएगी। क्योंकि नितिन गडकरी ने अपने बयान में कहा था, जब गांधी जी थे तब 90% आबादी गांव में रहती थी और धीरे धीरे ये 30% माइग्रेशन क्यों हुआ? इसका कारण आज गांव, गरीब, मजदूर, किसान दुखी है। इसका कारण ये है कि जल, जमीन, जंगल, जानवर, रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, किसान की फसल को अच्छे भाव नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन जिस अनुपात में बाकी पक्ष में हुआ उतना नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के बाद हम भी बहुत काम कर रहे हैं। इसी इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि सत्ता संभाल रही मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में गांव, गरीब, किसान के लिए क्या क्या काम किए हैं। उन्होंने बताया, हमने 550 एस्पिरेंट्स ब्लॉक निकाले हैं, 120 एस्पिरेंट्स डिस्ट्रिक्ट मोदी जी ने निकाले हैं जहां विशेष रूप से काम किए जा सके। तो ये जो परिस्थिति है इसमें उपाय यही है जो मेरी फिलॉसफी है कि इस देश में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है। ये फ्यूल अगर 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ भी अगर किसान एथेनॉल तैयार करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा, तो हमारे देश का किसान सुखी, समृद्ध, संपन्न होगा, गांव में रोजगार निर्माण होगा। यह है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का पूरा बयान, जिसमें गडकरी ने बताया कि एक वक्त था जब देश के 90% आबादी
गांव में बसा करती थी, लेकिन धीरे धीरे वहां से पलायन शुरू होने लगा क्योंकि गांवों में मूलभूत सुविधाओं की कमी थी। जबकि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता महज 20 सेकंड की क्लिप निकालकर मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने में लगे हुए हैं। वो ये बात भूल जाते हैं कि कांग्रेस राज में गांव के लोग लालटेन युग में जीने को मजबूर थे, जबकि मोदी सरकार के राज में गांव-गांव बिजली पहुंची, लोगों को इंटरनेट बैंक जैसी सुविधाओं से जोड़ा गया, जिससे सरकारी सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में जाए। यहां तक कि मोदी सरकार ने ही सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की, जिसके तहत सांसद गांव को गोद लेकर उसका विकास करते हैं। खुद पीएम मोदी भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कई गांवों को गोद लेकर वहां का विकास करवा चुके हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि गांव के विकास के लिए मोदी सरकार किस तरह से काम कर रही है। यही वजह है कि शहरों से लेकर गांवों तक बीजेपी को बंपर वोट मिलता है, जिसके दम पर लगातार दूसरी बार पीएम मोदी सत्ता संभाल रहे हैं और अपने काम के दम पर ही तीसरे कार्यकाल में जनता से 400 सीटें मांग रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार मोदी सरकार 400 सीटों के पार पहुंच पाएगी या फिर इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही कुछ ही दिनों पहले गांव की अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी ने यवतलाम में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, विकसित भारत के लिए गांव की अर्थव्यवस्था का सशक्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए बीते 10 वर्षों में हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि गांव में रहने वाले हर परिवार की परेशानियों को दूर करें, उन्हें आर्थिक संबल दें। पानी का महत्व क्या होता है ये विदर्भ से बेहतर भला कौन जान सकता है। पीने का पानी हो या फिर सिंचाई का पानी, 2014 से पहले देश के गांवों में हाहाकार था, लेकिन इंडी गठबंधन की तब की सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं थी। आप जरा सोचिए, आजादी के बाद से लेकर 2014 तक देश के गांव में 100 में से लगभग 15 परिवार ही ऐसे थे जिनके घर पाइप से पानी आता था, 100 में से 15 घर, और इनमें से अधिकतर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी थे जिनको ये लाभ नहीं मिलता था। ये हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ा संकट था। इस स्थिति से माताओं बहनों को बाहर निकालने के लिए ही लाल किले से मोदी ने हर घर जल की गारंटी दी थी। 4-5 साल के भीतर ही आज हर 100 में से 75 ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में भी जहां 50 लाख से कम परिवारों के पास ही नल से जल था, आज लगभग 1.25 करोड़ नल कनेक्शन है। तभी देश कहता है मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मोदी ने एक और गारंटी देश के किसानों को दी थी। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों से देश की करीब 100 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को लटका कर रखा था। इनमें से 60 से ज्यादा पूरी हो चुकी है और बाकी पर भी पूरी होने वाली है। लटकी हुई इन सिंचाई परियोजनाओं में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की 26 परियोजनाएं थी। महाराष्ट्र के विदर्भ के हर किसान परिवार को ये जानने का हक है कि
कि किसके पाप की सजा आपकी पीढ़ियों को भुगतनी पड़ी है। इन 26 लटकी हुई परियोजनाओं में से 12 पूरी हो चुकी है और बाकियों पर भी तेजी से काम चल रहा है। ये भाजपा की सरकार है जिसने नीलवांडे बांध परियोजना को 50 वर्ष बाद पूरा करके दिखाया। कृष्णा कोयना लिफ्ट सिंचाई परियोजना और टेम्भू लिफ्ट सिंचाई परियोजना भी दशकों बाद पूरी हुई है। कोसी खुर्द परियोजना का ज्यादातर काम भी हमारी सरकार ने ही पूरा किया। आज भी यहां विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए पीएम कृषि सिंचाई और बलिराजा संजीवनी योजना के तहत 51 प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इनसे 80,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।